सभी फौजियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप सभी का वेलकम है तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता ही है, हम रोज आर्मी के लिए मॉक पेपर यानी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर जो है लगाते हैं, तो आज भी वैसे ही हम जीके जीएस मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर लगाने वाले हैं। आप सभी को ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ एक दूसरे का देखना नहीं है और लाइव चैट बॉक्स में अपना जवाब देना है, ठीक है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा पेपर। इसमें थोड़े से साइंस के कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े हार्ड लिए हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो है आजकल थोड़े हार्ड आने लग गए हैं। तो देखो, पहला पोर्शन आपका स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन ए, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे में स्थित सफ़ेद रंग में कुल कितनी तिल्लियाँ हैं। आपको पता है जो सफ़ेद रंग की पट्टी होती है उसके अंदर एक चक्र होता है और उस चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन है 24, 20, 104 और 15। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 24 तिल्लियाँ होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तुलबुल परियोजना, झेलम, चिनाब, रावी और कुंभा, कौन सा आंसर होगा। ये आर्मी में पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो जल्दी से सही जवाब देंगे इसका। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे सही जवाब देंगे। तो ये झेलम नदी पे है, ई ए जवाब करने वाले जो क्या है, राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में कहवा की मंडी किस देश को कहा जाता है। ध्यान से देखें, कहवा की मंडी पूछा है, कौन से देश को कहा जाता है। तो भारत, कोलंबिया, वियतनाम या ब्राज़ील। तो यहाँ पे डी ऑप्शन वाले, ब्राज़ील करने वाले सही जवाब दे रहे हैं। देखो, मैं एक बार टाइम टेबल दिखा देती हूँ। ये टाइम है, नोट कर लो, इस टाइम आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। सभी के लिए फ्री क्लासेस हैं, जितना ज़्यादा हो सके इसका लाभ उठाएं और बाकी साथियों को भी शेयर करें, ठीक है। और ये अपनी बुक्स है, कोई लेना चाहे तो बुक की पीडीएफ भी ले सकता है 30 और 20 रुपए में, और घर मंगवाना चाहे तो घर भी मंगवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है, सफ़ेद सोना कहा जाता है किसको, कोयले को, बांस, कपास या सनई। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ज़्यादातर जो आर्मी में जाने वाले स्टूडेंट हैं, आपको पता ही है हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फसल वगैरह के बारे में पता होता है, तो हम कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। सी ऑप्शन राइट है। भांगड़ा किस राज्य की नृत्य शैली है। भांगड़ा तो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी, और पंजाब के स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा, तो ये पंजाब का नृत्य है भांगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। लंदन तो गोदावरी और सुप्री नदी, सीन नदी या टेम्स नदी। टेम्स को थेम्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, थेम्स या टेम्स एक ही बात है। तो जो लंदन है वो थेम्स या टेम्स नदी के किनारे है। राजस्थान का नृत्य बताएंगे एक बार मुझको। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर, ठीक है, घूमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आर्मी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि संविधान से और पॉलिटी से जो है क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का जो अंत है वो, अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो आपको आना चाहिए ये। तो ये 14 नवंबर, ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, इसके लिए तो ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ईजी क्वेश्चन है। भूटान देश की मुद्रा क्या है, रुपया, दिनार, डॉलर या नुगलुट्रम। कितना अजीब सा नाम है, पर उत्तर यही है, नुगलुट्रम जो है भूटान देश की मुद्रा होगी, ठीक है। 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, थोड़ा हार्ड नाम है, मुझे भी बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन को राइट लगा देना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं, वाइट्समैन कमीशन कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, पीछे आ चुका है ये, शायद कलर की एग्जाम में रहा था ये शायद, ठीक है, देख लेना आप लोग। तो ये साइमन कमीशन को कहा जाता है, बी ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपको। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन जो है आपको आने चाहिए तो आप सही कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है रक्त अल्पता यानी एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, वो लैक ऑफ आयरन यानी लोह तत्व की कमी से होता है। तो इसको मिला दो सबसे पहले, तो
इसके बाद में एक गलघोंटू यानी गोइटर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो गोइटर आपको पता है आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी पता है आपको, रात को दिखना कम हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे। तो इस तरह से इसको आप राइट लगा लोगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 11 में आ चुके हैं हम, और यहाँ पे सब देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखाती हूँ, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए जनरल साइंस की पीडीएफ है, 19 रुपये में है, आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर लेना, पूरे नोट्स हैं इसमें और क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी सारे। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, शहद का प्रमुख घटक क्या है ये बताएंगे आप। हनी का जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रुक्टोज, जल्दी से जवाब देंगे। तो आपको पता होना चाहिए फ्रुक्टोज जो है वो शहद का प्रमुख घटक है, डी ऑप्शन करने वालों के जवाब सही है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, प्रोटीन को, हाँ लड़कियां भी जवाब दें, सिर्फ लड़कों के ही जवाब क्यों आ रहे हैं ज़्यादा, लड़कियां भी जवाब दें, लड़कियां भी चैनल के साथ अब जुड़ गई हैं जो मिलिट्री पुलिस की तैयारी कर रही हैं आर्मी में, तो वो भी जवाब दें। शरीर निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलता वर्धक, क्या होगा प्रोटीन का कार्य क्या होगा, निम्न में से जो ज़्यादा करेक्ट लगे वो आपको जवाब देना है। तो प्रोटीन की परिभाषा ये है कि शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ जो प्रोटीन कहलाता है, बचपन में पढ़ी है हमने, 6वीं-7वीं क्लास में आती है ये परिभाषा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नए कुछ भी नहीं है, 10वीं क्लास तक की ही साइंस आपके उन्हीं में से आए हुए हैं। अब देखो ये थोड़ा पीडीएफ में ऊपर नीचे हो गया है, तो आप ऐसे पढ़ लो इसको। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, स्टेरॉल्स या ग्लाइकोलिपिड, चारों ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं, अच्छे से सोचें। तो एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, बी ऑप्शन करने वाले क्या हैं, सही जवाब दे रहे हैं। मानव रक्त पीएच का मान, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया पता नहीं, मैं पीछे के कितने ही एग्जाम्स से क्वेश्चन उठा लूँ, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो जाता है मेरे पेपर के अंदर भी, क्या बताऊँ। तो 15वां क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान, अब तो आपको ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 7.4 जो है राइट हो जाएगा। सेक्शन बी जल्दी से साइंस करेंगे, जनरल साइंस। फर्ण की स्वीधानी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है, आपको बता देना है, 1, 2, 3 या 4, ये थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, बट ये जो बायोलॉजी वाली आपकी क्लास रहेंगी, जब मैम बायोलॉजी की क्लास लगाएंगी तब आपको अच्छे से करवा देंगी। तो इसमें एक जो है स्वीधानी में ग्रीवानाल कोशिकाएं जो है पाई जाती है, एक, ठीक है, कितनी, एक। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है, अभी हम यहाँ पे मोटे तौर पर सीधा ऑप्शन पे जाएंगे और बायोलॉजी की जो टॉपिक वाइज क्लास होंगी उसमें मैम आपको करवा देंगी। क्वेश्चन नंबर 17, एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है, कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है आपको बताना है, हाइड्रिला, ट्रोकोडेंड्रोन, मक्का, गेहूँ। मुझे तो ये नाम बहुत हार्ड से लगते हैं बायोलॉजी वाले, क्योंकि इनको बोलने में बहुत ही दिक्कत होती है, बट यहाँ पे बी ऑप्शन करने वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ट्रोकोडेंड्रोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये पीछे कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने, कुछ कलर के एग्जाम से भी लिए हैं, ज़्यादातर जो है जीडी और ट्रेड्समैन के एग्जाम से मैंने लिए हैं। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है, मर्मिकोलॉजी कीट, चींटियों, क्रस्टियाई, ऑर्थोपोडोंस, तो जल्दी से बताएंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, चींटियों के अध्ययन से। कुछ क्वेश्चन नए लिए हैं मैंने ताकि जो है आगे वाले एग्जाम्स में आ सके, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें पढ़नी चाहिए। शल्य क्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था, शल्य क्रिया के बाद ऑपरेशन से जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था आपको बताना है, तो ये जूलियस सीजर था, जूलियस सीजर, ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थोड़े से हार्ड लेवल की क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है, कौन सी ऐसी एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस के कारण HIV जो है वो अपना आकार बदल लेता है, क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है, तो ये सही आंसर क्या होगा बताएंगे, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इसका राइट आंसर लग जाएगा, ए ऑप्शन करने वाले राइट होंगे। सभी को आंसर करना है, थोड़े हार्ड लग रहे हैं मुझे बताएं, बट ठीक है आंसर करेंगे आप। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग
किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये हार्ड नहीं है, ये इजी है, जल्दी से बताएंगे। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा या वास्तविक धारा? तो प्रेरित धारा, ठीक है। जो धारा प्रेरित होगी जब वो कुंडली के अंदर यानी जब वो गति करेगा, तो यहाँ पे प्रेरित धारा जो है आपका राइट आंसर लग जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे वोल्ट, वाट, किलोवाट, घंटा या एम्पियर, तो शक्ति की इकाई क्या होती है? वोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव एक हॉर्स पावर, अश्वशक्ति भी शक्ति की इकाई होती है, तो याद रख लेना क्वेश्चन, वो भी पूछा जाता है। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? प्रतिरोध पूछा है, रेजिस्टेंस मानव शरीर का शुष्क दशा में, जल्दी से बताएंगे। तो 10^4 ओम होता है, डी ऑप्शन राइट लग जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है। निम्न तापमान पर, अति निम्न बहुत कम तापमान पर विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है वो पूर्णतया समाप्त हो जाता है, एकदम समाप्त हो जाता है, इन पदार्थों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो अतिचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अतिचालक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है 3-4 बार, तो इसको ध्यान से करेंगे। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? कच्चा लोहा, इस्पात, जंगरोधी, पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा, जिसको ताई ये लोहा भी कहते हैं शायद, तो पिटवा लोहा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.087% से भी कम कार्बन उसमें होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, तो पिटवा लोहा यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में क्या होता है? पीतल, पीतल आपको पता है किस टाइप की धातु होती है? पीतल जो है मिश्र धातु होती है। कैसी धातु होती है? मिश्र धातु, मिश्र धातु होती है पीतल, आपको पता ही है। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें मिलकर बनती है मिश्र धातु, ये आपको बताना है। तांबा और जिंक, तांबा और टीन, तांबा और चांदी और तांबा और निकल, जल्दी से बता देंगे। तो देखो इसमें होता है तांबा, तांबा यानी कि कॉपर। कॉपर कितना होता है इसमें? 45% भाग जो होता है वो लगभग तांबे, इसका तांबे का यानी कि कॉपर का होता है, एक ही बात है। और जस्ता, जस्ता यानी कि जिंक यानी जेडन, जेडन का जो भाग होता है वो भी 45 का रहता है, ठीक है। बाकी जो 10% भाग होता है, 10% भाग रहता है इसमें निकिल। निकिल यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं 10% क्या है? निकिल, ठीक है। अब यहाँ पे पीतल में क्या क्या हो गया? कॉपर, जिंक और निकिल। तो निकिल तो पूरा ऑप्शन में है नहीं हमारे पास, तो ज़्यादा चीज़ देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पे है निकिल हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें जो मेनली क्या है, मेनली इसमें कॉपर और जिंक ज़्यादा है, तो हम कौन सा ऑप्शन कर देंगे? ए कर देंगे। इसमें निकिल भी ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो निकिल, ठीक है। तो अब ये ए ऑप्शन क्या लगा देंगे? राइट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यशद लेपन मतलब गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर यानी आयरन पर किसकी परत यानी लेयर जो है वो चढ़ाई जाती है, आपको बताना है। तांबा, जस्ता, टीन और निकेल, तो आपको ये पता ही होगा, कई बार मैंने भी करा दिया है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ये क्वेश्चन पीछे के एग्जाम से लिया है। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? विलयन किसको कहते हैं? तो तांबे को, समांगी मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को या सस्पेंशन को। तो समांगी मिश्रण जो होता है उसमें जो पदार्थ होते हैं सभी एक ही अवस्था में होते हैं, तो समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, बी ऑप्शन राइट लग जाएगा। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं उनको कौन सी कोशिकाएं हैं वो आपको बतानी है। तो संचरण उत्तक, अनुपूरक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं या अधर्म कोशिकाएं, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, तो संचरण उत्तक जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स ए ऑप्शन कर रहे हैं उनका जवाब सही होगा यहाँ पे। बायोलॉजी क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रहते हैं, ये आप बायोलॉजी वाली मैम से टॉपिक वाइज क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्रि द्वार, रंध्रि संवृत, रंध्रि संघटन या रंध्रि संवर्धन, संवर्धन, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से जवाब दे देंगे। तो रंध्रि द्वार के लिए अनिवार्य होता है, ए ऑप्शन सही है। मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? ये तो आप आइडिया लगा ही लेंगे, तो वन रोपण से,
वन रोपण से यानी वन या पेड़ जो है पेड़ उगाकर जो मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है, बी ऑप्शन राइट होगा। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है, प्रोटीन निर्माण में जिंक कॉपर पोटेशियम नाइट्रोजन, जल्दी से बताएंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, सॉरी हाँ नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई, ठीक है, कौन सी सब्जी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल में, देखो सब्जियों पर भी बहुत सारे प्रयोग जो है वैज्ञानिक करते रहते हैं, तो अब वर्तमान में कौन सी सब्जी जो है भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है परिष्कृत करके, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो पीछे बैंगन की खूब चर्चा रही थी, आपने सुना भी होगा कई बार न्यूज़ में भी रहा था ये, तो जो बैंगन है वो उपलब्ध हो गया है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कैल्प क्या होता है, कैल्प लोहे का सल्फाइड खनिज, अंशतः अपघटित वेजिटेशन, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज, तो सारे ऑप्शंस आपके सामने रख दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं अन्य फलों से 4 गुना अधिक गुणकारी होते हैं, ठीक है, इनमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है, इनको क्या कहते हैं, कैल्प कहते हैं, तो 34 में क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से विषम पद बताएं, अलग कौन सा है, अति असिताश्म, रूबी, पन्ना या नीलम, जल्दी से बता देंगे, तो इसके अंदर असिताश्म जो है अलग है, ठीक है, रूबी, नीलम और पन्ना जो है आपस में संबंधित हैं, एक ही कैटेगरी से आते हैं क्योंकि, और असिताश्म जो है अलग होगा, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट लग जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि असिताश्म जो है वो क्या होता है, आप जिसको वैसाल्ट बोलते हो यानी कि गहरी हरी या बादामी कलर की आगे ने चट्टाने होती हैं, ठीक है, इनको हम असिताश्म कहते हैं, जबकि रूबी, पन्ना और नीलम जो है ये रत्न होते हैं, अंगूठी वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है। एक हम बात करें जो गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसका जो ये गेट है ये असिताश्म का ही बना हुआ है, ठीक है, कौन बना हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया किसका बना हुआ है, असिताश्म का बना हुआ है, तो ये आप याद रख लेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये सब क्या है, ये रत्न है, ये क्या है, रत्न है, जो कि आपने रिंग वगैरह में देखे होंगे, ठीक है, रिंग वगैरह में लड़कियां पहनती है तो उनमें आपने देखे होंगे। तो ये हमने 35 क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब साइंस हो चुकी है, अब मैथ्स आपको सर करवाएंगे, और मैथ्स करिए जल्दी जल्दी आसानी से। नमस्कार, जय हिंद। सेक्शन सी मैथमेटिक्स का, सेक्शन डी रीजनिंग का अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो सेक्शन सी स्टार्ट हो गया मैथ्स का, सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की और ट्राई करूँगा कि आप समझ में आए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36, सभी लोग लाइव चैट में आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या है कि सही विकल्प चुनना है, मतलब इसको जो दिया है इसको थोड़ा सा सरल करना है, ठीक है। 222/333, 111/666, 333/222 ऐसा कुछ दे रखा है, तो अपने को पता है लघुतम लेते हैं अपने, तो देखो इनमें लघुतम क्या आएगा, 333, 666, 22, तो इनका लघुतम आएगा 666, लघुतम आ गया, तो 333 का 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 को ऊपर वाले से गुणा कर, 2 × 222 माइनस इसका देंगे तो 1 बार मतलब 111 माइनस इसका देंगे इसमें तो 4 बार जा रहा है, कितनी बार, 3 बार, 3 बार जा रहा है, तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं अपने, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 4, 4, 4, ये हो गया माइनस 1, 1, 1, ये हो गया माइनस का 9, 9, 9, ठीक है, और ये हो गया नीचे 6, 6, 6, तो 4, 4, 4 माइनस 111 करेंगे तो क्या हो गया 3, 3, 3 है ना, माइनस में 9, 9, 9, तो अपना बेसिकली कितना बचेगा, 6, 6, 6 ऊपर बचेगा माइनस का, तो ऊपर का हो गया माइनस का 6, 6, 6 और नीचे हो गया माइनस, नीचे है प्लस का, तो ये एक बार कट जाएगा, ये माइनस बच जाएगा, माइनस वन उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए बहुत से लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कोशिश करो कि ये हल हो जाए यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 37,
एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो अपने को पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 154 दे दिया, पाई किस का होता है लिख सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है, ये 22 इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो आर आ गई अपनी 7, ठीक है, आर 7 आ गई। पूछा क्या है, ओह त्रिज्या पूछिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 38 की तरफ, 38 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो, निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा बिंद सबसे बड़ा है। देख एक दो तरीके होते हैं, या तो आप बड़ा होता है, बड़ा छोटा निकालना हो ना, तो ट्राई करो जो हर होता है ना उसको बराबर करने की कोशिश करो, अगर हो पाए तो किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया करो ऊपर नीचे, अगर नहीं हो पाए ना तो जल्दी से डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। 11 में 12 का भाग दे दो, कितना आएगा 0.1291, ठीक है, इतना ही दे लेते हैं। इसमें देते हैं 7 में तो 0.856, 8 और 7, ठीक है, ठीक है, मतलब बड़ा देखना है तो ये तो होगा नहीं, इसको तो काटो। 5 में देखो तो ये भी मुझे छोटा ही लग रहा, 0.8, ये भी काटो, मतलब ये और इन दोनों में से आएगा। 13 में 14 का भाग और दो, ये एक ही मिनट का काम है, जल्दी जल्दी आप भाग दे सकते हो, तो ये 9 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये हो गया 2, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ऐसे भाग दे दिया करो। अगर ऐसा होता ना कि यहाँ भी 14 है और यहाँ मान लो 7 है और यहाँ 14 है और यहाँ मान लो 7 है, तो ऊपर नीचे अपने क्या करते, दो इनको दो दो से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब हंस नीचे वाला हर है वो बराबर कर देते, तो देख लेते ऊपर जो भी बड़ा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, नहीं तो सीधा डिवाइड करके देख लो, कोई बड़ा काम नहीं है, एक क्वेश्चन सही हो रहा है, 2 मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत करने से अच्छा है टाइम लगा लो। 39, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ओह बहुत आसान क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, नो 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 नो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, इन दोनों का अंतर बताना है, नो 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 8, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 39 में, बहुत लोगों ने कर दिया। एक तो नाम अपना रखो, कोई टाइगर श्रॉफ रख रहा है, कोई शाहरुख खान रख रहा है, कोई आर्मी बॉय लिख रहा है, अपना नाम लिखो, ठीक है, आंसर तो सही दे रहे हो आप, पर अपना नाम अपनी पहचान बनाओ। 40 नंबर क्वेश्चन करो, किस सामान्य ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। देखो जो भी दिया लिख दिया करो, मैं तो लिख देता हूँ, अपने आप मुझे पता चल जाता है क्या करना है क्या हो रहा है। देखो टाइम दे दिया 16 साल है ना, लिख दिया, अब और क्या दे दिया, कोई सामान्य ब्याज की दर, अपने को दर निकालनी है तो दर को मैं आर लिख देता हूँ, मूलधन नहीं पता मान लो एक्स था, ठीक है, मिश्र धन ये बोल रहा है कि 16 गुना हो जाएगा, तो मतलब पहले 16 था, पहले एक्स था, अब 16x हो जाएगा, तो अपने को पता है ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मूलधन कितना है, मूलधन कितना अपना एक्स, दर आर टाइम 16 साल बटा 100, और इधर ब्याज भी रख सकते हैं, ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है अपना मिश्र धन माइनस मूलधन, ये तो ब्याज होता है, तो ब्याज की जगह रख दो मिश्र धन, मतलब 16x माइनस एक्स 15x, ये 15x के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अब क्या करो एक्स से एक्स उड़ा दो, एक्स तो गया सीधा, अब आर ही आ जाएगा अपना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो वज्र गुणा, तो 1500/16 उत्तर आ जाएगा, 1500/16, तो ये हो गया 8, ये हो गया 750, 750 का आधा 325 नहीं 375 है ना, 375/4, इसका भाग दे दो, सिंपल सा भाग ही तो देना है, दे सकते हो ना भाग तो 40 का, तो इसको सरल करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा मेरे हिसाब से, मैं करके बताता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा है, एक सेकंड कुछ गड़बड़ करिएगा, कोई धन दो दुगुना, ओ दुगुना है ये, 16 गुना नहीं हो रहा था, किसी ने बोला भी नहीं, बस करे जा रहे हैं, 2x होगा, दुगुना बोला ना, तो ये 2x होगा, ठीक है, तो ऐसा समझो ये 2x मिश्र धन माइनस मूलधन x है, तो ये x बराबर इतना है 15, अब देखो तो x से x कट जाएगा, तो अपना उत्तर आ जाएगा 100/16, मतलब 50/8, मतलब 25/4, तो 6 से ही 4/4 आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 40 में।
ठीक है ऐसे गलती मत करो, 16 साल टाइम दिया था और दोगुना हो जाता है तो 2x। इसका एक ट्रिक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ट्रिक बता देता हूँ, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ मैं। 40 की एक ट्रिक होती है, ठीक है ऐसे बोले ना कि कोई साधारण ब्याज की दर बताओ, इतने साल में इतना हो जाता है, ये हो जाता है, तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। तो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको अभी। ट्रिक इसकी ये है कि दर निकालनी हो ना तो जितना गुना लिख रहा उसमें से एक माइनस करो और नीचे जो समय दे रखा वो लिखो और गुणा में 100 लिखो। तो इसने बोला दो गुणा हो जाएगा तो 2 - 1, समय था 16 गुणा 100, ठीक है। तो ये तो एक हो गया तो 100/16 डायरेक्ट आ गया ना। तो ये ट्रिक याद कर लेना अगर किसी को ट्रिक पसंद है, तो ये ट्रिक है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतनी घन से, आयतन घन में होता है, तथा त्रिज्या इतनी। तो अपने को पता है कि जो बेलन होता है ना उसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है π r² h, ये होता है आयतन बेलन का, ठीक है ये सूत्र होता है। तो पाई किस गए 22/7, r दिया है, हाँ 3.5 दिया है, तो 3.5 × 3.5, h अपने को पूछा है, ठीक है। आयतन भी दिया, ये आयतन का सूत्र है ना, आयतन भी दिया 4.62। बस अब क्या करना है, काटना है, ये हो गया 0.5 है ना, 7.5 ये हो गया 11, फिर अब तो क्या ये भी कट रहा है मेरे साहब, 11 × 44 = 22, ठीक है। तो 42/3.5 अपना उत्तर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 420/35, तो 35 × 35 = 70, 12, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आसान था, आयतन का सूत्र लगाया और जो भी दिया था वो मान रख दिया, जो निकालना था वो अपने आप निकल गया। क्वेश्चन नंबर 42 करने की कोशिश करो, बहुत से लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। sin 2a = 2sin a, तो a का मान, अरे बहुत आसान, एक सूत्र होता है, हमने ट्रिगोनोमेट्री में लिखा भी है बुक में, sin 2a का सूत्र होता है 2sin a गुणा में cos a, ठीक है। तो इसकी जगह आप ये लिख दो 2sin a cos a बराबर में 2sin a दे रखा है, तो साइन ए से साइन ए काट दो, 2 से 2 काट दो, cos a बराबर कितना आ गया 1। cos a का मान 1 कहाँ पे होता है बताओ, कितना होता है 0 पे तो 0, तो ये सी आएगा, मतलब cos a का मान 1 होता है 0 डिग्री पे, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कोशिश करो कि सभी लोग इसको सरल कर लो, ओके। निम्नलिखित में प्रसंचित, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा है, देखो कुछ दिख रहा है क्या, मुझे दिख रहा है इधर से इधर कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं, इनके और इनमें क्या डिफरेंस है, 594 में अगर 198 का मैं भाग दूं तो क्या आ रहा है, 3 गुना हो रहा है ना, ठीक है। 66 को इसमें 198 में मैं 66 का भाग दूं, ये भी 3 गुना, इसका मतलब इधर वाला भी कुछ ऐसा आएगा जो 3 गुना करने पे ये 66 आ जाए, मतलब 22 आएगा, 22 ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 66 को 3 से करो, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहना। 44 करने की कोशिश करो, 290 का 5%, बहुत आसान है, 290 का 5% निकालना है, तो ये 5 × 10 = 20, 0, 2, तो 14.5, ऑप्शन सी हो जाएगा 44 में। चलो बहुत आसान क्वेश्चन था 45, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ओके, ये थोड़ी रीजनिंग टाइप की भी है और मैथ्स भी बोल सकते हो आप इसको। 45 क्वेश्चन नंबर करो, एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर जाकर, ये रहा आदमी, उत्तर दक्षिण अपने को पता है, उत्तर ऊपर की तरफ, तो ये 10 किलोमीटर गया, ठीक है 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, दाहिने मुड़ जाता है तो दाहिना इसका ये, और ये 6 किलोमीटर चल गया, फिर 6 किलोमीटर इधर, वह अपने घर से कितनी, ये दूरी बतानी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो डायरेक्ट, ये निकालना है कर्ण, अपने को ये दिया है और ये दिया है, तो 10 कर्ण होता है अपना √10² + 6² तो 100 + 64 = 164 है ना, रूट में आ गया 164 हो गया ना, 6 का 36 होता है, तो 136 का रूट 11 का 121 होता है, 11 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, और 12 का 144, तो 11 से थोड़ा ज़्यादा, ये ऑप्शन है, ऐसे ही कर लिया करो, पूरा सरल करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 करो, रीजनिंग आ रही है, चलो कुर्सी फर्नीचर फोर्क, अच्छा कुर्सी, अगर बहुत सारी कुर्सियों को मिला दिए, कुर्सी टेबल वगैरह,
तो एक फर्नीचर बोला जाता है ना, बेड कुर्सी बहुत सारा पड़ा होगा, ये फर्नीचर पड़ा है। अगर फोर्क चम्मच इन सबको एक जगह मिला दोगे ना, वो कटलरी कहलाती है। जो भी सेफ वेफ होते हैं ना वो यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स, तो वो एक कटलरी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये कटलरी हो गई। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, जुलाहा कातने वाला, इंजीनियर, कुम्हार, ये सारे काम आपको लेबर टाइप के नहीं लग रहे? कातने वाला, जुलाहा और इंजीनियर थोड़ा सा स्टैंडर्ड पोस्ट और अलग टाइप का काम लग रहा है, तो इंजीनियर इन सब में डिफरेंस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा ये बड़ा है, लैंग्वेज में छोटा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। 48 करना है। राम ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, ये रहा राम अपना, इसने क्या किया, पूर्व की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, चल दिया 1 किलोमीटर चलकर वह दक्षिण, 1 किलोमीटर चला, उसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चल लिया, दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चल लिया, चलो 5 किलोमीटर चला दिया इसको, ठीक है। फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, वापस से पूर्व की ओर, पूर्व इधर ही है ना, 2 किलोमीटर चल लिया, चलो 2 किलोमीटर चल लिया। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ गया, वापस उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ कहीं आ गया होगा, है ना, 9 किलोमीटर। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, देखो ये 2 है, इसकी सीध में ये वाली 5 हो जाएगी, ऊपर कितनी बची, ये 4 और एक एक ये थी, 2 ये थी, मतलब टोटल ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये बतानी है। तो अपने को तो क्या हो गया, कर्ण की स्क्वायर क्या होती है, आधार की स्क्वायर और लंब की स्क्वायर का योग, तो 3 + 9 + 6 = 16, मतलब √25, मतलब 5 किलोमीटर हो जाएगी, 5 किलोमीटर दिख रहा है आपको, 48 में ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे बताए वैसे वैसे ड्रॉ करते जाना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 49 ये रहा आपके स्क्रीन पे, 49 नंबर क्वेश्चन, 334 331, ओ ये तो समझ में आ गया, थोड़ा 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 कम हो रहा है ना, इसका मतलब कुछ माइनस हो रहा होगा। 334 में से गलत पद बताना है अपने को, 334 में से कितने माइनस करें, 3 माइनस करें तो 331 आ जाएगा, 331 में से 3 माइनस करें, है ना, 3 माइनस करने पे 327 आ रहेगा, बताओ, नहीं, -4 करने पे, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस इसमें से मतलब -5 करने पे आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल, ये -6 करने पे आ रहा है, नहीं नहीं ये तो गलत है, यहाँ पे 316 आता, माइनस 322 माइनस 322 में से 6 माइनस करेंगे 316 आएगा, पर यहाँ 315 लिखा है, इसका मतलब ये गलत लिखा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 315, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो कि सही हो जाए, मुझे लगता है ये आसान भी है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में ओनेस्टी को ABCXZ ऐसे लिखा जाता है, क्या किया, HONESTY को क्या लिख दिया, ABCXZDQ लिख दिया, तो उसी कोड भाषा में टोनी को क्या लिखा जाए, देखो H को A लिख दिया, अपने को टोनी में क्या ज़रूरत है, T को क्या लिखा है, D लिखा है, मतलब D से शुरू होगा, O को क्या लिखा है, B, ठीक है O हो गया, N को क्या लिखा है, N को लिखा है X, N को X लिखा है ना, ABC नहीं E लिखा है, E, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है D से शुरू होने वाला, D से तो एक ही था, तो एक बार में ये टिक हो जाएगा, आसान था, बहुत आसान पेपर था, ऐसा पेपर GD में आ जाता है, कभी कभी लैंग्वेज हार्ड बना देते हैं, बाकी ऐसा ही पेपर आता है, ठीक। अब क्या करना है आपको, हमेशा करते हैं वही करना है कि माई नेम इज़ रमेश और मेरा स्कोर 42/50 है, ठीक है, ऐसा कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। ऐसे ही रेगुलर आपको क्लासेज, मॉडल पेपर, बहुत सारे मॉडल पेपर बनाए हुए हैं मैंने, कराते रहेंगे, आप ही थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे, ठीक है। जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो मॉडल पेपर करवा देंगे, बहुत सारे मॉडल पेपर हमारे पास, तो बैठ के पेन कॉपी लेके रोज सोल्व करना 9:30 बजे सुबह, ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़, और हमारे लिए भी, क्योंकि हमें भी ऐसे बच्चों से जुड़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, क्योंकि बहुत से लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते, तो ऐसे फैमिली बढ़ा दो अपनी, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, अपने को भी खुशी हो जाए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ईजी था, करने में मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया, बहुत से लोग अभी रिप्लाई कर रहे हैं मेरे 47 से ही हो, 46 से, बहुत अच्छे बात है। ओके टाइगर श्रॉफ आर्मी, ओके नवीन, ओके, चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लास देखने के लिए, और लाइक ठोक दो, और अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय।